इतनी भी क्या चाहिए था राजकुमारी, शिल्पकारों को उनका कार्य तो पूरा करने दो। अच्छा मतलब शब्दों से नहीं खेल पाए तो मूर्ति तराशने लगे। संभाल के राजकुमार, ये खेल नहीं है। कहीं आपका ये खेल आपके चाचा जी की कलाकृति ना बिगाड़ दे। समय शेष नहीं है अपने पास। हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद आपका। माने खेत में सभी इसी प्रकार हौसला बढ़ाते? हम आपका हौसला बढ़ाने नहीं आए थे, इतना समय नहीं हमारे पास। हम तो सिर्फ ये परखने आए थे कि आप सच में कोई काम कर रहे हैं या फिर मान्यखीत की युवतियों को लुभाने के लिए शिल्पकारी का नाटक कर रहे हैं। क्या ये आपका राज्य इतना नीरस है? यहाँ की युवतियाँ भी सारी नीरस ही हैं। कौन इनको लुभाएगा? नीरस नहीं है। अब जो देखा वही कहा। जिसकी जैसी नजर होगी उसे वैसे ही दिखाई देगा ना। अब पत्थर तराशने वालों को तो सब पत्थर ही दिखाई देगा, है ना? चलिए, इसी बहाने आपने ये तो माना कि हम पत्थर तराश रहे थे। धन्यवाद आपका। हम आपकी मदद करने आए थे, अब नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। ये सिखाया मैंने तुम्हें, संदेह हो रहा है मुझे अपनी शिक्षा पर? यूज लगा राजकुमार को रूठ कर जाने दोगे तुम? राजकुमारी आप यूं इस प्रकार अपने मित्र को हाथ करके जाएंगे आप? मूर्ति बाद में बनाई, पहले मित्र को मनाइए। का कार्य बहुत ही तीव्रता के साथ संपन्न हो रहा है। शीघ्र ही मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। हम बहुत प्रसन्न है कि आपने मूर्ति बनने की अनुमति दे दी। तो एक समस्या है, ना ही कोई हमें बता रहा है, ना ही हम अनुमान लगा पा रहे कि मूर्ति बन किसकी रही है। अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है विलास, कदाचित ये मूर्ति हमारी ही बन रही है। नहीं बुआ, आपकी बन रही होती तो हम देखते ही पहचान लेते। हमने उस मूर्ति के पैर देखे हैं, वो किसी स्त्री के नहीं बल्कि किसी पुरुष के पैर प्रतीत हो रहे। बताइए ना बुआ, आपको तो पता ही होगा ना, आपकी नहीं तो किसकी प्रतिभा बन रही है? वो मूर्ति वराहदेव की भी नहीं है, क्योंकि आकृति किसी मानव की प्रतीत हो रही है। बुआ बताइए ना, आपको तो पता होगा। जीवन में थोड़ा धैर्य रखना सीखिए विलास, इतना उतावलापन भी ठीक नहीं है। यदि आप अत्यधिक उत्सुक हैं तो सुनिए, जिसकी बन रही है उसे बनने दीजिए, क्योंकि उसका टूटना तो तय है। अब आप जाइए, हमें सुलोचना से कुछ आवश्यक बात करनी है। स्वास्थ्य अब कैसा है? हमारा स्वास्थ्य अब ठीक है, धन्यवाद। हमने तुम्हें अपने कक्ष में विश्राम करने को कहा था ना सुलोचना? क्षमा कीजिए राजकुमारी, हम अपने कक्ष में ही थे, लेकिन हमारे गुप्तचरों ने आकर हमें एक आवश्यक सूचना दी। कैसी सूचना? गुप्तचरों ने इस बात की पुष्टि की है कि उस रात के षड्यंत्र में राज परिवार के ही किसी सदस्य का हाथ है। प्रयोग मिला वो पात्र राजकुमारी,
आपसे प्रतीक्षा कर रही है। ये कोई सृजन है या कोई षड्यंत्र? इतना आवरण क्यों? शांति के आवरण में हिंसा, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो फिर ये आवरण क्यों? आवरण तो सौंदर्य का श्रृंगार है राजकुमारी, सौंदर्य को छिपा कर ही रखना चाहिए। क्या पता कब किसकी कुदृष्टि पड़ जाए। जिस मूर्ति को किसी चौराहे की शोभा बढ़ानी है उसे गुप्त रखने में कोई तर्क नहीं दिखता हमें। हम तो केवल आपको आगाह कराने आए हैं कि आपका ये परिश्रम व्यर्थ जाएगा। इस मूर्ति की नियति है धूल में मिल जाना। नियति तो हम सबकी यही है राजकुमारी, किंतु मृत्यु के भाई से जीना तो नहीं छोड़ते ना। आप ही सोचिए, क्या पता ये मूर्ति मान्यखेट और मालवा के बीच मित्रता करवा दे। जो कार्य मेरी वाणी नहीं कर सकी, क्या पता कला कर दे, तो शत्रुओं में प्रेम करवा दे। आप अपनी मर्यादा की सीमा लांघ रहे हैं पृथ्वी वल्लभ। प्रेम की सीमाएं नहीं होती राजकुमारी, अपनी जीवा को बांध कर रखिए। आप तो प्रारंभ से जानते हैं राजकुमारी मेरे मान्यखेट आने का प्रायोजन, मालवा और मान्यखेट के बीच मित्रता। तो अगर प्रेम के लिए आया हूं तो वही फैलाऊंगा। यदि कुछ फैलेगा तो वो है आपके अपनों का रक्त। ये बात अगर मेरे अंदर का द्वेष सुन रहा होता तो रक्तपात तो भी यही हो जाता राजकुमारी। किंतु विडंबना देखिए, ये बात मेरा प्रेम सुन रहा है और वो इसमें भी अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। संभावना के पीछे जो आंख मूंद कर भागते हैं वो अक्सर ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यदि आपको ऐसे व्यर्थ के कार्यों में रुचि है तो निसंदेह कीजिए, हमने आपको अनुमति भी दे रखी है। किंतु इतना याद रखिएगा कि समय कम है और एक पल अधिक नहीं मिलेगा आपको। आप चिंतित मत होइए राजकुमारी, आपको प्रतिमा निर्धारित समय पर पूर्ण मिलेगी और वो भी ऐसी जिसे देखकर आपको अत्यंत हर्ष होगा। निसंदेह हमें हर्ष होगा किंतु उसे देखकर नहीं, उसे ध्वस्त कर। अब आप इसे ध्वस्त करेंगी या ये आपके अंदर के क्रोध और द्वेष को, ये तो आने वाला समय बताएगा राजकुमारी। बहुत अच्छे कार्य में योगदान दे रहे हैं आप लोग, किंतु इससे भी अधिक अच्छा ये होगा यदि आप इस कार्य के समाप्त होते ही मान्यखेत छोड़कर मालवा में अपने लिए कोई कार्य ढूंढ लें, क्योंकि मान्यखेत तो आपको अब यहां रहने नहीं देगा। अरे तुम डरो नहीं, परिहास कर रही है राजकुमारी, ये प्रतिमा एक नया अध्याय लिखेगी संबंधों का, मित्रता का, प्रेम का।